हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं और नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। पाक विस्थापितों की नागरिकता संबंधी चल रही परेशानियों से अब निजात मिलने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किए गए वादे को निभाने की शुरुआत आज उनके गृह जिले जोधपुर के सूचना केंद्र में भारतीय नागरिकता देने के लिए पूर्व में किए गए समस्त आवेदन पत्रों में सभी पूर्तियों को पूर्ण करने का काम किया जा रहा है। जोधपुर में पाक विस्थापितों की शेष रही नागरिकता की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए बुधवार को जोधपुर के सूचना केंद्र में भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू की गई। जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित के निर्देशानुसार जिले के साधारण रूप से रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए पूर्व में किए गए समस्त आवेदन पत्रों में सभी पूर्तियों को पूर्ण करने का काम किया जा रहा है। अपर जिला कलेक्टर शहर प्रथम जवाहर चौधरी के निर्देश में ये शिविर चल रहा है, जिसमें नागरिकता संबंधी दस्तावेजों जांच करके साथ ही कमी है उसको पूरा कर राहत दी जा रही है। 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस शिविर में पाक विस्थापितों ने बकायदा इसके लिए खुशी जाहिर की है। वहीं कुछ पाक विस्थापितों ने अधिकारियों की लापरवाही की बात कही है, जिसके चलते उनकी फाइल तक नहीं मिल रही है। पाक विस्थापित नेता हिंदू सिंह सोडा ने इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का जो हमें नागरिकता दी, और भी ऐसे सरकार ऐसे होने चाहिए सबकी सहूलत के लिए, और किसी को दिक्कत नहीं आए सबके लिए। लगता तो है मिलने की उम्मीद है, लेकिन मैंने जो है 2 जनवरी 2018 में मैंने जो जमा कराया कागज, तो पहले तो जमा कराए थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया, फिर बोला कि भाई नया पासपोर्ट बना गया। फिर 2 जनवरी 2018 में मैंने नया पासपोर्ट बनाया और वो भी जमा कराए। इसके बाद जो है मुझे सिलेंडर लेटर मिला है, 2 ही थे मेरे फार्म, उसमें से एक मिला है, एक खाली मिला है। अब प्रश्न ये है कि मेरा तो एक सिलेंडर लेटर मिला है 28/9/2018 को, और मेरी मिसेज का जो है अभी तक मिला नहीं है, उसके लिए मैं क्या कर पाता हूँ। अब आप क्या मांग करते हैं सरकारी अधिकारियों से और सरकार से? हम तो यही चाहते हैं जितना जल्दी हो सके जिनके जो एलिजिबल है उनको नागरिकता दी जाए।